एपिसोड स्टार्टिंग देखते हैं सुन यान और क्विन योशन के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट चल रही है। योशन स्टार्टिंग में सुनन को बहुत भी पीट रहा होता है, तभी सुनन के अंदर जीट यान अपनी तरफ से कुछ पावर इनहेरिट कर देती है। उसके साथ ही सुनन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो योशन को बहुत भी पीटने लगता है, लेकिन उसे मारने से एक सेकंड पहले रुक जाता है और फिर उसे कहता है, तुम मेरे फादर हो, तुम अपने बेटे को मार सकते हो लेकिन मैं अपने फादर को नहीं मार सकता। जिसके सुनन वहां जाने लगता है, तभी उसके पांव कांपने लगता है और थक्के वहीं पर जमीन पे गिर जाता है। योशन इसी चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है, वह आगे बढ़कर सुनन के ऊपर जोर से टक्कर देता है। तभी कहीं से एक तलवार उस जगह पहुंच जाती है और सीधे सुनन और योशन के बीच में गिरती है। योशन चल के सर के बल जमीन पे गिरता है और फिर देखता है सामने की तरफ ये लेडी है, इसका नाम है लेंग जोरान और ये अजूरा अकेडमी की सबसे हाई लेवल की मास्टर है। जी कहने लगती है, क्विन योशन इस फाइट के अंदर तुम्हें जो करना था तुम वो कर चुके हो, इस फाइट के अंदर जितने ट्रिक्स को तुम्हें यूज करना था वो यूज हो चुके हैं, इसी वजह से अब तुम्हारे पास में इस फाइट को कंटिन्यू रखने के बिल्कुल भी राइट्स नहीं है। ये सुनकर इस जगह जितने भी एल्डर्स और बाकी जितनी ऑडियंस होती है वो सब के सब इसके अंदर सर झुकाने लगते हैं। एक कल्टिवेटर इनसे बताने लगता है, इनका नाम लेंग जोरान है और ये हमारी अकेडमी की सबसे ज्यादा सुंदर और सबसे ताकतवर लड़की है और इस सबके अलावा ये हमारी अकेडमी की सबसे ज्यादा हाई लेवल की मास्टर है। इसी टाइम पे सुनन भी अपनी आंख खोलकर धीरे से इस लड़की को देखने लगता है और सोचता है, यानी ये वो लड़की है, ये तो मेरे बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। उस टाइम पर उस जंगल के अंदर उस गुफा में मैं इसी लड़की के साथ था और अब यही हमारी अकेडमी की एक हेड मास्टर निकली। इसी टाइम पर लैंग भी सुनन को देखने लगती है। सुनन तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और वापस से बेसुन अटैक करने लगता है। लैंग ये कहती है, आज से सुनन मेरा डिसिपल है, अगर किसी को भी सुनन से किसी तरह का बदला लेना हो तो सीधे मेरे पास में आए। क्विन योशन तुम बताओ कि तुम्हें इस सब के अंदर कोई भी दिक्कत है? योशन हाथ जोड़े कहता है, नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लैंग कहती है, तो फिर ठीक है, अब जाकर क्विन हंग को मेरा एक मैसेज दे देना कि अब अगर अगली बार इस एकेडमी के अंदर आकर कोई भी गड़बड़ करनी हो तो वो खुद आए, अगर मैं उनसे फाइट करूंगी तो वो ही मेरे बराबर के होंगे, बाकी से फाइट करने का मेरा मन नहीं है। और एक और बात, आज जो यहाँ पर हुआ ऐसा कभी भी दोबारा रिपीट हुआ तो क्विन फैमिली के लिए ये बहुत बुरा होगा। जिसमें क्विन योशन डरते बोलने लगता है, आप बिल्कुल निश्चित रहिए आज के बाद से हमारी तरफ से दिक्कत नहीं होगी, इसके अलावा मैं आपका ये मैसेज पहुंचा दूंगा। जिसे कहते हुए योशन सोचने लगता है, हमारे क्विन होंग अभी तक केवल कल्टिवेशन के हेवनली स्टेज पर है, वहीं इनका लेवल रॉयल स्टेज पर है, अगर इन दोनों के बीच फाइट होती है तो डिसीजन पूरी तरह से एक तरफा है, फाइट के एंड में ये लेडी लेंग होनरानी जीतेगी। तभी लैंग कहती है, मेरे मैसेज को बिल्कुल सेम टू सेम वापस सुनाना, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर लैंग इस जीन से कहती है, दो कल्टिवेटर्स को यहाँ बुलाओ, ये दोनों कल्टिवेटर्स सुनन को उठाकर सीधे क्विंटियन पैलेस के अंदर लेके आ जाएं। इस काम में खत्म होने के बाद में यहाँ पे सब जितने भी लोग हैं वो सब के सब यहाँ जा सकते हैं, आज यहाँ पर और कोई बैटल नहीं होगी। जी सुनकर ये मास्टर यहाँ के सभी बंदों को यहाँ जाने के लिए कह देता है। यहाँ से हम कुछ देर बाद क्विंटियन पैलेस में देखते हैं, यहाँ पर सुनन भी बेहोशी का नाटक कर रहा है। ये देखकर लैंग कहने लगती है, अब तुम्हें ये नाटक करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से उठ जाओ। ये सुनने के साथ ही सुनन तुरंत उठ जाता है। ये लेडी सीधे जाकर अपने तख्त पे बैठ जाती है और कहने लगती है, अब से तुम मेरे डिसिपल हो, तुम्हारे कन्वेंस के लिए आज से तुम इसी पैलेस के अंदर रहोगे, यहीं पर तुम्हारी सारी ट्रेनिंग होगी। आज से ठीक 10 दिन बाद में जाइड पैराडाइज के अंदर एंट्री शुरू होने वाली है। इस पैराडाइज के अंदर केवल वही कल्टिवेटर्स एंटर कर सकते हैं जिनका लेवल हमारे सेट के अंदर टॉप 10 पर हो। अब क्योंकि तुमने ओयंग चेंगलेन को फाइट के अंदर हरा दिया है, इस वजह से तुम सेट के अंदर 10th पोजीशन पर पहुंच चुके हो, यानी अब तुम भी इस काबिल हो कि तुम जाइड पैराडाइज के अंदर एंटर कर सको। 10 दिन बाद में तुम्हें इसका मौका मिलेगा, इसलिए खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सुनन कहता है, जाइड पैराडाइज क्या होता है? ये सुनकर लैंग बताने लगती है कि जाइड पैराडाइज इनके सेट की एक बहुत ही स्पेशल जगह है जो कि कई हजार सालों से इनके सेट के अंदर जुड़ी हुई है। कुछ एंशिएंट कल्टिवेटर्स ने इस जगह को बनाया था और ये जगह केवल 3 साल में एक बार ही ओपन होती है। सेट के अंदर जितने भी कल्टिवेटर्स है वो सब के सब एक बार इस पैराडाइज के अंदर जरूर जाना चाहते हैं, इसी वजह से कई सारे कल्टिवेटर्स स्टारलाइट स्टेज पहुंचने के बाद में अपने कल्टिवेशन को एकदम रोक देते हैं, उसके आगे अपना कल्टिवेशन करते ही नहीं है, क्योंकि अगर इसके आगे उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया तो उन्हें सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। केवल इस पैराडाइज के अंदर जाने के कारण वो अपने ग्रेजुएशन को 3 साल से रोक के बैठे हैं। अब तो तुम समझ चुके होंगे ये कितनी बड़ी चीज है। जाइड पैराडाइज के अंदर काफी सारे शानदार ट्रेजर मिलेंगे जिनमें से एक का नाम है सन फ्रूट। ये सन फ्रूट कल्टिवेशन तो काम नहीं आता, लेकिन इसे नरेट करने के बाद में माइंड क्लियर हो जाता है और क्लियर माइंड से कल्टिवेटर का कल्टिवेशन ज्यादा फास्ट तरीके से होता है और ज्यादा एफिशिएंट होता है। इस जाइड पैराडाइज के आसपास में एक काफी शानदार सा स्पेल का घेरा बना हुआ है, इसी वजह से मूनलाइट स्टेज के नीचे ही कल्टिवेटर ही इस पैराडाइज के अंदर जा सकते हैं। इसलिए हमने नियम बनाया केवल टॉप 10 कल्टिवेटर्स ही इस पैराडाइज के अंदर जाएंगे और उस सनफ्रूट के लिए आपस में कम्पीट करेंगे। मुझे तुमसे थोड़ी सी उम्मीद है, जब तुम उस पैराडाइज के अंदर जाओगे तो सनफ्रूट को हासिल करने में कामयाब होगे, क्योंकि आगे कल्टिवेशन में वो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। सुनन यहाँ पर लैंग सारी बातों को काफी ध्यान सुन रहा होता है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। 10 दिन बाद में सभी कल्टिवेटर एक पार्क के पास में इकट्ठा हुए हैं
जहाँ पर एक पोर्टल है और ये पोर्टल जल्दी ही पूरी एबिलिटी से एक्टिवेट होने वाला है। इस पोर्टल को देखते ही सुनैन पिछले 10 दिनों के अंदर उसने जो भी कल्टिवेशन किया है उस बारे में सोचने लगता है, स्पेशली इस हेडमास्टर लैंग योरान के बारे में। इसी टाइम पर पीछे की साइड से कोई सुनैन का नाम बुलाकर उसे पुकारने लगता है। सुनैन पीछे देखता है, पीछे दो कल्टिवेटर्स हैं, इनमें से कहने लगता है, तुम ही हो ना सुनैन, वो लड़का जिसने ओयंग चेंगफेंग को फाइट में हराया था। तुम्हें जानकर बहुत बुरा लगेगा, तुम्हारे साथ में इस पोर्टल के अंदर मैं भी जाने वाला हूँ। तुम्हें इससे बुरा ये जान के लगेगा कि ओयंग चेंगफेंग मेरा कजन ब्रदर है, इसी वजह से इस पैराडाइज के अंदर तुम्हारी दिक्कतें काफी बढ़ने वाली है। अगर तुम चाहते हो कोई तुम्हारे डिटेल को नष्ट कर दे, तुम्हारे कल्टिवेशन को पूरी तरह से खराब कर दे, तो तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। सुनैन कहता है, ये तो काफी सही है, तुमसे कजन ब्रदर हो, तुम्हारा बिहेवियर भी काफी कुछ उसके जैसा ही है। मैंने तुम्हारे भाई को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ, आगे बढ़ो और मुझ पर हिट करो, इसके बाद में पता चल जाएगा तुम्हें कितनी पावर है, यहीं पर हम फाइट कर लेते हैं। सुनैन की इस फाइट इनविटेशन सुनकर ये बंदा लेनहान थोड़ा डर जाता है, इसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि अभी आगे बढ़कर इस सुनैन से फाइट कर सके। इसी टाइम पर ये तीन बंदे जो कि पहले ऑडियंस के अंदर बैठे हुए थे ये भी यहाँ पहुंच जाते हैं। इनमें से ये लड़की कहने लगती है, हाँ लेनहान आगे बढ़ो और इस लड़के से फाइट करो, तुम्हें पता है ये लड़का लैंग योरान का पर्सनल डिसिपल है, अगर तुमने किसी भी तरीके से इस लड़के को हरा दिया तो पूरे सेट के अंदर तुम्हारा नाम हो जाएगा, हम इस खबर को चारों तरफ फैला देंगे कि तुमने इस लड़के को हरा दिया है, सभी लोग तुम्हारे कब्जे तारीफ करने लगेंगे। ये कितनी भी लड़की लेनहान को जबरदस्ती फाइट के लिए भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन लेनहान इसी को समझ जाता है। वो संभल के कहता है, तुम्हें मुझे पता है कि तुम सबके सब साथ में मिले हुए हो, तुम तो चाहते ही हो कि मैं बेकार में हर किसी से फाइट करता रहूं। तभी बंदा बोलता है, नहीं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं सब जगह पर तुम्हें रिस्पेक्ट हो, इस लड़के ने अभी तुम्हें फाइट के लिए इनवाइट किया, उससे तुम इस तरह से पीछे हट रहे हो, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है, ऐसा हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि ये लड़का सुना है तुम्हारी बराबरी का नहीं है, तो जाओ जाके उससे फाइट करो, यहाँ पर हम जितने भी क्रिकेटर्स है उन सभी में सबसे ताकतवर है, हम सभी का सीनियर है, अगर तुमने उसे हरा दिया तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि तुम हमारे सेट के सबसे ताकतवर डिसिपल हो, और इस टाइम पर सेट के अंदर तुम ताकतवर कोई भी नहीं है। लेनहान कहता है, चिंता मत करो, एक टाइम आएगा जब मैं उसे भी हरा दूंगा, बस कुछ टाइम फिर हर कोई मेरी रेस्पेक्ट करने लगेगा, सब पता चल जाएगा मैं कितना पावरफुल हूँ। ये फाइट यहाँ पर नहीं इस पैराडाइज के अंदर होगी, सुनैन पैराडाइज के अंदर एकदम चौकन्ना रहना क्योंकि तुम मेरे टारगेट पे आ चुके हो, कोशिश करना पैराडाइज के अंदर हम जितने टाइम साथ में रहें उस टाइम पर तुम कभी मेरे सामने ना हो। इसी टाइम पर लैंग योरान अपने साथी कुछ मास्टर के साथ में इसके पहुंच जाती है और फिर सभी डिस्पल्स को निमग्न बिताने लगती है। वो कहती है, जाडे पैराडाइज आज ओपन होने वाला है, जैसे ही तुम इस पोर्टल के अंदर जाओगे इस पोर्टल के अंदर तुम्हें 10 दिन बिताने होंगे, इस पैराडाइज के अंदर तुम जो कुछ भी कर रहे होगे वो सब कुछ हमें बाहर पता चल रहा होगा, या फिर हमारे पास में एक स्पेशल मिरर है जिससे न केवल हम बल्कि सेट के सारे क्रिएटर्स तुम सभी को देख रहे होंगे। इस पैराडाइज के अंदर तुम्हें काफी सारे शानदार ट्रेजर देखने को मिलेंगे, इन सभी के लिए तुम्हें आपस में कम्पीट करना होगा, लेकिन इसका भी एक नियम है, तुम में से कोई भी एक दूसरे को मार नहीं सकता है। इसके अलावा तुम सभी के पास में सनफ्रूट टोकन भी होगा, ये एक बहुत ही स्पेशल टोकन है, अगर पैराडाइज के अंदर पहुंचने के बाद में तुम्हें किसी भी समय लगता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत बड़े खतरे में है या फिर तुम किसी भी और कारण से इस पैराडाइज के अंदर और ज्यादा नहीं रहना चाहते तो तुम्हें सीधे उस टोकन को तोड़ देना है, उस टोकन को तोड़ने के साथ ही तुम सबके सब बाहर टेलीपोर्ट हो जाओगे, मतलब तुम में से वही जिसने उस टोकन को तोड़ा होगा। टोकन का यूज करके एक बार अगर कोई जाडे पैराडाइज से बाहर निकल जाता है तो उसे वापस से अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा इस पैराडाइज के अंदर तुम सभी का मेन ऑब्जेक्टिव है सनफ्रूट, जो कि एकदम आखिरी दिन यानी 10वें दिन लगेगा, यानी कि अगर तुम सभी को वो सनफ्रूट चाहिए तो कम से कम 10 दिन तो उस पैराडाइज के अंदर सर्व करना ही होगा, और इसके अलावा उस सनफ्रूट के उगने के बाद में तुम सभी के पास में केवल 2 घंटे होंगे, 2 घंटे के अंदर ही उस फ्रूट को उस पेड़ से अलग करना होगा, अगर तुम ये नहीं कर पाते हो तो पेड़ वापस से उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा इस कंपटीशन के अंदर मैं अपनी तरफ से एक और चीज को ऐड कर रही हूँ, आज से 3 महीने बाद में एक स्पेशल अकेडमीज कंपटीशन होने वाला है जिसके अंदर अरल अकेडमीज अपने अपने कॉम्पिटिशन को कम्पीट करने के लिए एक जगह इकट्ठा होगी, वो सबके सब अपने शानदार डिसिप्लिन को उस जगह पर लेके आएगी, इसी वजह से हमने डिसाइड किया है इस पैराडाइज के अंदर तुम डिसिप्लिन में से टॉप 3 डिसिप्लिन सिलेक्ट होंगे और फिर उन 3 डिसिप्लिन को उन स्पेशल कॉम्पिटिशन के लिए भेजा जाएगा। तुम सभी में से टॉप 3 डिसिप्लिन सिलेक्ट करने के लिए हम सबके साथ तुम सभी को पॉइंट्स देंगे, ये पॉइंट्स मिलेंगे अंदर जितने बीस्ट है उन सभी को मारने से, अगर तुम में से कोई एक स्टारलाइट बीस्ट को मारता है तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा, 2 स्टारलाइट बीस्ट से 2 पॉइंट, इसी तरीके से ये नंबर आगे बढ़ता जाएगा। अगर तुम में से कोई मूनलाइट स्टेज के एक बीस्ट को मार देता है तो उसे डायरेक्टली 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे और सेकंड मूनलाइट बीस्ट से 200 पॉइंट्स, इसी तरीके से ये नंबर भी आगे बढ़ता जाएगा। और एक और बात, अंदर जब जो बीस्ट मिलेंगे वो नॉर्मल बीस्ट नहीं होंगे, वो सारे एलियन बीस्ट होने वाले हैं। तुम में से 3 स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा बीस्ट को मारेगा उसे मौका मिलेगा आगे कंपटीशन में जाने का। बस इतना ही मैंने तुम सभी को साइड नेम बता दिया है, अब टाइम हो चुका है इस पैराडाइज के अंदर जाने का। ये कहते हुए लैंग योरान इस पहाड़ की इस पोर्टल के पास में आती है, उसे तेजी से एक्टिवेट करने लगती है, उसके अंदर अपनी कुछ एनर्जी को डालती है, इसके साथ ही वो पोर्टल चमकने लगता है और पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है।
फिर योरन आगे बोलती है, अब सबके सब अंदर जा सकते हैं। ये सुनने के साथ ही उस जगह पर जितने भी 10 डिसिपल्स है ये सारे अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही डिसिपल्स उस पोर्टल के अंदर घुसते हैं, सबके सब एक दूसरे अलग हो जाते हैं। ये पोर्टल हर एक डिसिपल को एक बहुत बड़ी जगह पर इधर उधर बिखेर देता है। सुनन को दिखाई देता है उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है और पूरे तरफ जंगल है। तभी पीछे की साइड से लैन हैन की आवाज आती है। वो कहने लगता है, तुम तो बहुत लकी हो, स्टार्टिंग में ही तुम्हारा सामना मुझसे हो गया है, तो अब बताओ तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हारे पास में एक स्पेशल टोकन है, जल्दी से उसे खुद तोड़ दो या फिर मैं उसे तोड़ दूंगा। दोनों केसेस में यहाँ पे तुम्हारा जितना भी टाइम था वो खत्म हो चुका है। सुनन कहता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें पुरजे से लगता है मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा। ये सुनकर लहनान अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और फिर कहने लगता है, हाँ मुझे लगता है, इनफैक्ट मुझे पता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इस फाइट के बाद में सबको ऐसा हो जाएगा कि तुम कुछ खास ताकतवर नहीं हो। मैं इस टाइम पर स्टार्लाइट स्टेज के एकदम पीक पर हूँ, मैंने काफी सारी कल्चरल स्किल्स तो सीखा है, मेरी पावर तुमसे ज्यादा ही है। लहनान जब इसे कुछ कह रहा होता है, इसी टाइम पर बाहर की साइड से सारे कल्यूटर इसे कुछ देख रहे होते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा मिरर है जिससे उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखकर एक कल्यूटर बोलने लगता है, अभी तो कुछ मिनट ही हुए हैं इन्हें अंदर गए हुए और इतनी जल्दी ये दोनों आपस में मिल भी गए और अब एक लड़ाई भी शुरू होने वाली है। लैंग जुहान भी ये सब कुछ देख रही होती है। वो चाय पीते हुए बोलती है, ये लड़का बहुत अनलक्की है। यहाँ पर लैंग जुहान ने अनलक्की किस्सों का ये अभी तक बताया नहीं है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।